हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 23 सितंबर 2019 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि आज सोमवार है तो हर सोमवार की तरह आज साप्ताहिक 47 की अगली कड़ी आएगी, रिविजन के दृष्टिकोण से आप उसे जरूर देखें। कौन सा बॉलीवुड फिल्म 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी? तो गली बॉय वो फिल्म है जी, जो सेलेक्ट किया गया है 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। ठीक है, ये पिक्चर में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने काम किया है। गली बॉय आपने इसका एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था। ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए चुना गया है और इसका जो निर्देशन किया है वो किया है जोया अख्तर ने। तो ये इनका निर्देशक के नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जाने, ऑस्कर पुरस्कार जिसे अकादमी पुरस्कार एक्चुअली है, इसको ऑस्कर नाम से जाना जाता है और ये देता है अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। बीते दिनों किस मशहूर गायक ने लंदन में एक 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट अवार्ड जीता है? तो ये हैं सोनू निगम। सोनू निगम ने ये अवार्ड जीता है जी लंदन में। एक्चुअली ये अवार्ड, इनका फ़ोटो देखिए, किसी मशहूर गायक को दिया जाता है और ये इस बार सोनू निगम को दिया गया है। ये जो अवार्ड का स्थापना किया गया है वो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है प्रीति राणा और तरुण गुलाटी, ये दोनों ने मिलकर के इस अवार्ड की शुरुआत किया था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों अमेरिका ने किस देश के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये इन्होंने लगाया है जी, अमेरिका ने लगाया है ईरान पर। ईरान की राजधानी तेहरान है और आपको याद होगा हिंदी दिवस के दिन मतलब 14 सितंबर को सऊदी अरबिया में अरामको जो कि तेल कंपनी है उस पर ड्रोन से हमला किया गया था और अमेरिका का मानना है कि ईरान ने ही करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है जी। इन्होंने जो चूँकि 0-5 से ये हार गए थे आखिरी मुकाबला, इसलिए इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि इसमें ये विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइनल खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। इनका फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, इस इवेंट में ये मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, और इन्होंने इनको हार का सामना करना पड़ा उज्बेकिस्तान के साखोबिद्दीन जोइरोव से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से कॉरपोरेट कर दरों में कटौती की है? तो किसने किया है जी, ये भारत सरकार कर सकती है और भारत सरकार ने किया है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। उनका एक आप फोटो देखिए और इन्होंने इसकी मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको कटौती किया है। बीते दिनों चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए तारीख की घोषणा कर दी है? तो चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी, तो बी और सी दोनों राज्यों में अगले महीने 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा जी। तो चलिए ज़रा फटाफट देख लेते हैं दोनों राज्यों के बारे में क्या स्थिति है। 288 विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र में होने वाली है जी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, विधानसभा में 288 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, देवेंद्र फडणवीस है और इस बार देखते हैं मुख्यमंत्री यही बने रहते हैं या फिर चेंज होते हैं। हरियाणा में कुल 90 सीटों पर चुनाव होना है और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो फिर से आएंगे, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बीते दिनों किसने चंडीगढ़ पुलिस की ईविट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम तथा ई साथी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये चंडीगढ़ पुलिस के लिए लॉन्च किए हैं और किए हैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ई साथी ऐप लॉन्च किया। मैंने कल बताया था एक ऐप दिल्ली पुलिस का और जिसको लॉन्च किए थे अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उप राज्यपाल हैं, उस ऐप का नाम बताइए। मैंने कल ही बताया है तो आप उस ऐप का नाम बताइए, कौन सा ऐप था। बीते दिनों भारतीय डाक ने कितने नए देशों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है? तो इन्होंने किया है जी कुल 6 नए देशों में ये स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया है। भारतीय डाक भारत सरकार के अंतर्गत आता है और
दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत आ जाए, केंद्रीय दूर संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में 6 नए देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। भारतीय डाक ने कहाँ कहाँ, बोस्निया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कजाकिस्तान, लिथुआनिया तथा नॉर्थ मैसिडोनिया में ये स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया है। तो इन देशों के एक बार नाम आप देख लीजिए। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया इस बार जी 21 सितंबर को। आप कहें 21 सितंबर को तो विश्व शांति दिवस मनाया गया, तो मैं आपको बताता हूँ ये हर वर्ष 21 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, यह प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। चूँकि इस बार तीसरे शनिवार 21 सितंबर को पड़ा था, इसलिए ये 21 सितंबर को मनाया गया। बीते दिनों किसने डेंगू के खिलाफ चैंपियन अभियान की शुरुआत की है, तो ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के खिलाफ चैंपियन अभियान की शुरुआत की। मैंने एक बार और बताया था 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर बार, कुछ ऐसा एक अभियान इन्होंने पहले भी चलाया था। चलिए फटाफट जवाब लेंगे, जवाब 151 लेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का अगला प्रमुख नियुक्त किया है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया, आपने सही जवाब दिया है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। चलिए आज का सवाल लेंगे, सवाल 152। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप साप्ताहिक 47 अवश्य देखें। नमस्कार।